इधर खबर आपको शहडोल से बता दें, जहां पर केशवाही पंचायत की गौशाला में चार मवेशियों की मौत का मामला सामने आया है। गौशाला में क्षमता से ज्यादा मवेशियों को रखा गया था। 100 मवेशियों की क्षमता वाले गौशाला में 300 मवेशियों को रखने की जानकारी यहां से सामने आई है। गौशाला में साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लगातार गंदगी यहां पर पसरी हुई थी। आपको बता दें कि मवेशियों की भूख से मौत हो रही थी, मवेशियों को चारा भूसा भी नहीं दिया जाता था, साफ सफाई में व्यवस्था नहीं थी। स्व सहायता समूह के पास फिलहाल गौशाला की जिम्मेदारी की जानकारी सामने आई है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्थिति की जानकारी यहां पर दीजिएगा, क्योंकि चार मवेशियों की मौत हुई है, लेकिन ये भी स्पष्ट जानकारी कि अव्यवस्था वहां पर थी। निर्मल, जानकारी दीजिए। जी मैं बता दूं, स्थिति वहां की इतनी खराब है कि वहां जो 100 मवेशियों की क्षमता है, वहां 300 मवेशी भरे जा रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए समय पे चारा भूसा नहीं दिया जाता है, जिस कारण से मौतें हो रही हैं। इतनी बरसात की सीजन में मवेशियों की भी संख्या बढ़ जा रही है, जो वहीं चले जा रहे हैं, और जो जो कमजोर मवेशी रहती बैठे रहते हैं, उस भगदड़ के कारण भी मौतें हो रही हैं। वहीं अब चारा भूसा न दे कारण की भी मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जो शहडोल जिले के केशवाही पंचायत में गौशाला संचालित है, ये एक स्व सहायता समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वहाँ का पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण आए दिन मवेशियों की मौत हो जा रही है। अभी जो मामला आया है, ये चार मवेशियों की मौत हो, लेकिन आए दिन 1, 2, 10 ऐसे करके ऐसी संख्या में मौतें हो रही है। जी निश्चित तौर पर गौवंश की जो दुर्दशा मध्य प्रदेश में लगातार देखी जा रही है, एक चिंता का विषय है। स्थिति पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।